एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है, ज्योति राणा, और मैंने पदरपन से एक्टिंग सीखी है. और वैसे मैं फिजियोथेरेपी कर रही हूँ, और एक्टिंग का शौक मुझे 10th या 12th क्लास से ही आ गया था. बट उस टाइम पे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि एक्टिंग का भी कोई कोर्स होता है, तो फिर मुझे इसलिए उस टाइम पे मैंने कुछ करा नहीं. और मैं मेडिकल फील्ड से थी इसलिए मैंने फिजियोथेरेपी करा. एंड जब मैं सेकेंड ईयर में गई तो तब मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और फिर मुझे था कि मुझे पता लगा कि अच्छा एक्टिंग में भी कोर्स होते हैं. उसके बाद नेट के थ्रू मुझे पता लगा पदरपन इंस्टीट्यूट के बारे में, तो फिर मैंने यहाँ पे आके कोर्स किया. यहाँ के टीचर कैसे लगे आपको? यहाँ के फैकल्टीज ही सबसे बेस्ट है, यही अच्छी बात है यहाँ की. चाहे वो एक्टिंग टीचर्स हो, चाहे वो डांस के टीचर हो, सब बहुत अच्छे हैं. फैकल्टी की वजह से ही पदरपन बहुत बेस्ट है. पहले ये था कि पहले मैं लाइफ को लेके सीरियस तो थी पर इतनी नहीं थी. तो पहले मुझे था कि ठीक है, जिंदगी चल रही कट रही. बट एक्टिंग में आके मैंने काफ़ी खुद को जाना है, और मुझे पता लगा कि अच्छा, मतलब अपनी इम्पोर्टेंस क्या है. पहले ये था कि ठीक है, नॉर्मल था. तो ये है कि एक्टिंग में आके मैंने खुद को बहुत जाना, और ये समझ में आया कि अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है. और मुझे यहाँ पर आके ये पता लगा कि लाइक बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल है, मतलब वो उनकी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है, या वो नॉर्मल जिंदगी जीते जैसे सब जी रहे. तो एक्टिंग में आके मुझे यही चीज़ सीखने को मिली, और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट और अच्छा लगा कि जो भी एक्टर होता है वो कोई भी एक, मतलब होता है कि नॉर्मल ऐसे नॉर्मल पर्सन नहीं है वो, काफ़ी बंदा वो बहुत मतलब एक्टिव होता है और काफ़ी स्ट्रांग होता है मेंटली भी और फिजिकली. बहुत सारे मोमेंट है. एक BCR अवार्ड्स के टाइम पर जो हमारी लेट नाइट प्रैक्टिस होती थी, वो मतलब मैं अभी भी नहीं भूल सकती. बहुत मज़ा आता था, क्योंकि एक तो नए नए थे, और आते के साथ ही बहुत अच्छा रोल भी मिला था सागर सर के थ्रू. और डांस पे भी मुझे अच्छा फ्रंट में क्या कहते हैं, फ्रंट में मतलब मुझे खड़ा किया गया था डांस के लिए, तो वो चीज़ बहुत अच्छा था, बेस्ट. और उसके बाद मूर्थल के टाइम पे भी बहुत अच्छा था, हम लोगों की जो लेट नाइट प्रैक्टिस होती थी. मैंने कि यहाँ के फैकल्टीज बहुत अच्छे और बहुत सपोर्टिंग है, मतलब कि अभी अगर मैं नहीं भी हूँ PD के, मैं कोर्स नहीं भी करूँ, स्टिल फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है. और सबसे मेन है कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ से, कि एक अच्छा इंसान क्या होता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें कि होता है ना कि वर्ड्स नहीं आते यहाँ पे. अच्छा, अच्छी बात है कि मतलब वैसे मैंने कोई दूसरी जगह तो कोर्स ज्वाइन नहीं करा, पर मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ पे नॉर्मल तुम्हें एक्टिंग सिखाते हैं और कुछ नहीं. यहाँ का प्लस पॉइंट है कि एक्टिंग के साथ साथ आपको अपने आप को शो करने का मौका भी मिलता है, क्योंकि यहाँ रेगुलर थ्योरी कम है, थ्योरी के प्रैक्टिकल ज़्यादा फोकस करते हैं. तो रोज आपको स्टेज पर भेज देंगे, तो वो एक स्टेज फियर भी जाता है, और आपको खुद को मतलब शो करने का काफ़ी मौका मिलता है. और काफ़ी सारे शोज होते रहते हैं, शोज प्ले होते रहते थे, वही कि आप खुद को प्रमोट करते रहते हो और खुद को शो कर सकते हो, खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये इसका प्लस पॉइंट है. मैंने देखा है जैसे नए बच्चे आते के साथ ही लड़के लड़की बाजी करते हैं, और लड़के बाजी करते हैं, मतलब ये कि उनका ये कि पैसे वेस्ट है, मस्ती मार रहे हैं. मेरे को बस यही कहना है कि क्योंकि एक्टिंग ऐसी फील्ड है, बाकी और कोई भी आप पढ़ाई से रिलेटेड फील्ड अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें एक अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, अगर आपको डिग्री मिल जाएगी तो आपको जॉब मिल ही जाएगी 8-10 हज़ार की. बट एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको लिटरली हार्डवर्क करना पड़ेगा. और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक्टिंग में आ रहे हो तो प्लीज़ लिटरली हार्डवर्क करो, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करो. एक्टिंग में आ रहे हो तो एक एक्टर बनने के लिए आओ, ये नहीं कि हाँ टाइम पास करने के लिए.